ऐश्वर्या राय बच्चन भले ही 47 की उम्र को पार कर चुकी हैं, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरती को टक्कर दे पाना मुश्किल है। मॉडलिंग के दिनों से ही अपनी ब्यूटी के साथ साथ स्टाइल के लिए भी अलग पहचान रखने वाली ऐश्वर्या फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना एक खास मुकाम बना चुकी हैं। उन्होंने इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं, जिसमें उनकी एक्टिंग से लेकर उनकी खूबसूरती तक के फैंस दीवाने रहे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऐश्वर्या को ये खूबसूरती अपनी माँ वृंदा राय से मिली है? चलिए आज हम आपको ऐश्वर्या की माँ वृंदा राय के बारे में कुछ बातें बताते हैं। ऐश्वर्या अपनी माँ के बेहद करीब हैं। वो अक्सर अपनी माँ से मिलने जाती हैं और उनका बहुत ख्याल रखती हैं। बता दें कि ऐश्वर्या के पिता और वृंदा राय के पति कृष्ण राज राय का निधन 18 मार्च 2017 को हो गया था। तब से वृंदा राय अकेली रहती हैं, लेकिन उनकी बेटी ऐश्वर्या ने उन्हें कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया। पिता के जाने के बाद वे माँ का खास ख्याल रखती हैं। हाल ही में 27 मई को वृंदा राय 70 साल की हो गई हैं। ऐश्वर्या हर साल अपनी माँ का जन्मदिन बेहद उत्साह के साथ मनाती हैं। इस साल भी उन्होंने माँ का जन्मदिन खास तरीके से सेलिब्रेट किया था। जन्मदिन की तस्वीरें भी ऐश्वर्या ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। फोटोज में वो माँ वृंदा, पति अभिषेक बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन के साथ नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या अक्सर अपनी माँ के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐश्वर्या की माँ वृंदा राय कितनी खूबसूरत दिखती हैं। कुछ समय पहले ऐश्वर्या ने अपनी माँ के साथ एक पुरानी फोटो शेयर की थी जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। इस तस्वीर में वो अपनी माँ के पास बैठी हुई दिखाई दे रही थी। तस्वीर को देखकर मानो ऐसा लगा कि ऐश्वर्या की माँ उनकी हमशक्ल है। ऐश्वर्या बिल्कुल अपनी माँ की तरह लग रही थी। वृंदा राय जब यंग थी तब उनकी खूबसूरती ऐश्वर्या से कम नहीं थी। जाहिर है ऐश्वर्या को बेपनाह खूबसूरती उनकी माँ से मिली है। ऐश्वर्या को एक्ट्रेस बनाने में उनकी माँ का बहुत योगदान रहा है। बेटी के सपनों को सच बनाने में उन्होंने पूरा साथ दिया। ऐश्वर्या जब बॉलीवुड में नई थी तब उनकी माँ हर पल उनके साथ होती थी। आउटडोर शूटिंग में बेटी के साथ हमेशा जाती थी वृंदा राय। वृंदा राय एक लेखिका हैं। उन्होंने फिल्म दिल का रिश्ता की स्क्रिप्ट भी लिखी थी। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय लीड रोल में नजर आई थी। वहीं इस फिल्म को वृंदा राय और ऐश्वर्या ने मिलकर प्रोड्यूस किया था। ऐश्वर्या की बेटी आराध्या भी अपनी नानी के बेहद करीब है। वो भी अक्सर अपनी मम्मी ऐश्वर्या राय के साथ नानी से मिलने जाती रहती है। नानी के साथ आराध्या की काफी अच्छी बॉन्डिंग है। आराध्या अपनी नानी के बेहद करीब हैं। वह नानी के साथ हर फंक्शन में नजर आती हैं। वृंदा राय भी अपनी नातिन आराध्या के करीब है। जब भी आराध्या उनके पास होती हैं तो वो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती हैं। ऐश्वर्या राय अपनी माँ को अपने फैमिली फंक्शंस में शामिल करना कभी नहीं भूलती। माँ बेटी की ये जोड़ी हर फंक्शन में साथ नजर आती है, जिसमें दोनों की खूबसूरती देखते ही बनती है। वहीं अभिषेक बच्चन भी अपनी सास वृंदा राय से बेहद प्यार करते हैं। वो जितना अपनी माँ जया बच्चन का ख्याल रखते हैं उतना ही ध्यान वो अपनी सास का भी रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।